हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सूजी की पानी पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप पहली ही बार में इतनी परफेक्ट पानी पूरी बना पाएंगे, इतनी खस्ता जो दिखने में भी अच्छी हो, जो खाने में भी अच्छी हो। कई बार हम पानी पूरी बनाने के बारे में सोचते हैं लेकिन कई दिक्कतें आती हैं। जैसे पानी पूरी कभी कभी ऐसी बनती है जिसके आजू बाजू ना बहुत सारे बबल्स नजर आते हैं, एक लेयर एकदम मोटी और एक लेयर एकदम पतली, जो खाने में अच्छी तो लगती है लेकिन दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती। या फिर कभी कभी ऐसी बनती हैं जो फूल नहीं पाती, जिसकी पापड़ी सी बन जाती हैं। या कभी ये भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बिल्कुल ऑयली एकदम सौगी सी बन जाती हैं। आप इन दोनों पूरियों में फ़र्क देख सकते हो, एक अच्छे से फूली हुई है और एक थोड़ी कम फूली है। ये ऐसे छोटे छोटे से फ़र्क हर बार पानी पूरी में आते क्यों हैं, यही हमें आज वीडियो में जानना है, ताकि पहली बार अगर रेसिपी आप बनाएंगे ना तब भी परफेक्ट बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें सूजी की पानी पूरी बनानी होती है, सूजी को लेके ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मोटी सूजी ले या बारीक ले, मैं आपको सूजी ही दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी ली थी। एक बोल में जो मेरे पास है ये थोड़ी सी मोटी है और एक बहुत ज़्यादा महीन है। कुछ जगहों पर इन दोनों सूजी को, इस सूजी को कहते हैं 0 नंबर की सूजी और इसको 1 नंबर की सूजी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है। तो मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है पानी पूरी बनाने के लिए। इतनी महीन सूजी से बनी हुई पानी पूरी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, ज़्यादा क्रिस्प नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, तो ये बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ, ग्राम्स में और कप में दोनों तरीके से। कप में अगर सूजी देखेंगे तो अच्छी तरीके से लेवल करके ये पूरा 1 कप आ जाता है। ग्राम में 200 ग्राम जितनी ये सूजी है मोटी वाली। इस पानी पूरी को खस्ता बनाने के लिए आपको तेल की ज़रूरत पड़ती है मोयन लगाने की। वो कितना लगाना चाहिए देखिए, ग्राम्स में उसी कप में नाप कर ये 40 ग्राम जितना आपको तेल का इस्तेमाल करना है। तेल को गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली ठंडा तेल है। अभी अभी मैंने मेरी जार में से ही निकाला है। और ये देखिए, अगर आप छोटे वाली कप से नापेंगे, 1/4 वाली जो मेजरिंग कप होती है, 1/4 कप मतलब, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको अच्छे से हमें मिलाना है पहले कुछ 2 मिनट के लिए। अब और एक ज़रूरी इन्ग्रीडियंट हमें अभी सिर्फ ज़रूरत है, पानी की। पानी को भी गर्म करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सही सुन रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पानी पूरी को बनाने के लिए ना आपको तेल गर्म करने की ज़रूरत है, ना आपको पानी गर्म करने की ज़रूरत है। ये आपको तभी करना है जब बहुत ठंड का मौसम हो, क्योंकि क्या हो जाता ना, कभी कभी सूजी में जब हम ठंडा तेल डाल देते हैं, तेल थोड़ा सा सूजी में जाकर जम जाता है, और इसे डालने के लिए हम थोड़ा गुनगुना पानी कर फिर डो लगाते हैं। बस यही चीज़ है इसके पीछे। तो बिल्कुल भी पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं, ये वही नॉर्मल पानी है जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फ्रिज का पानी नहीं लेना है हमने, बस यही चीज़ है। सूजी थी हमारी 200 ग्राम जिसके लिए तेल हमने यूज़ किया 40 ग्राम और तेल के 2 गुना 80 ग्राम या 80 ml जितना पानी का इस्तेमाल करना है। सारा पानी मैंने डाल दिया। अभी मैं इसको कुछ भी ना गूंथने वाले हूँ, ना कोई भी मुझे इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं लेनी है। मैं बस इसको ना जोड़ कर रख दूंगी। ये मैंने इसको इस तरीके से बस मिक्स किया और एक जगह जोड़ लिया, एक जगह कर लिया। अब हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको घड़ी में टाइम दिखा रही हूँ ताकि आपको और प्रॉपर अंदाज़ा आ जाए। इस टाइम पर हमने इसको ढक दिया है, आगे के 10 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद आप ये डो देख सकते हो। ये देखिए किस तरीके से है, एक जगह नहीं है ना, एकदम ऐसे बिखरा बिखरा सा लग रहा है। अभी हमें इसको अच्छे से मसल कर बिल्कुल इतना स्मूथ कर देना है कि ये सूजी का डो है या मैदे का डो है ये समझ में ही ना आए। अब हमारा डो मसल कर रेडी है यानी, ये कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसको मसलने की जो ये मेथड है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हलवाई लोग भी इसको बहुत अच्छे से मसलते हैं, और वो कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर मैं उसको उंगली से छूती हूँ ना, तो मेरी उंगली अंदर धस जा रही है, नीचे चला जाता है डो, फिर से उठकर ऊपर नहीं आता। मतलब वो जो बाउंसी इफेक्ट है ना, अभी इसमें है नहीं। तो करना क्या पड़ेगा, सिर्फ इसको मसलना है आगे के और कुछ मिनट के लिए। दस मिनट बीत जाने के बाद आप डो की कंडीशन में फ़र्क देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसको छू रही हूँ ये वापस उठ के आ रहा है। तो ऐसा हो जाना चाहिए आपका डो, इतना ज़्यादा लचीला। इस तरीके का डो लगाने में आपको 10 से 12 मिनट के ऊपर का समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैंने इसको एक लंबी सी लोई में रोल कर लिया, मतलब इसका, और हम छोटी छोटी सी बॉल्स इसके निकाल लेंगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे, डो तो लग चुका है, अब बस क्या बेलना है और तल लेना है, पूरियाँ तो बन जाएंगी। लेकिन नहीं, इसे बेलना कैसे है और इसे तलना कैसे है, ये दो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक अच्छी पानी पूरी के लिए। कैसे, आइए देखते हैं।
थोड़ी सी लोइयां मैंने तोड़ ली हैं, बाकी बचे डो को ढककर रखना है, खुला ना रखें। और अब एक तरफ तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रखा है। तेल कितना गर्म चाहिए होता है इसके लिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अब ये जो छोटा सा बॉल है ना, इसको थोड़ा सा ही बेलेंगे, एक दो बार बस, और हमारे पास ये पानी पूरी बन जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। एक और नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने इन पूरी को बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है, या कहीं मोटी हैं कहीं बारीक हैं, जिस जगह वो प्रॉपर बेली गई ना उसी जगह फूलेगी, एक जगह उसकी चपटी रह जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा पतला बेल दिया है तो आपकी जो पूरी है ना वो पूरी नहीं बनेगी, जो पापड़ी बन जाएगी। अगर आपने डो को बहुत ज़्यादा गीला रखा है तो पानी पूरी ना थोड़ी देर बाद सौगी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब पानी पूरी तलने के लिए मैं आपको तीन मेन कंडीशन बताती हूँ। पहली तो ये है कि अगर आपने तेल को कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया है तो ऐसे में क्या होता है, पूरी के ऊपर एकदम से बबल आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप साइड में, जो लुकिंग में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छी नहीं दिखती। और ये होता है कि एक साइड बहुत मोटी और एक साइड ज़रूरत से ज़्यादा पतली, जो फिर बाद में ना थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती है। ये जो साइड है ना ऊपर की, ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना होना चाहिए, इसलिए तेल के टेम्परेचर पर बारीकी से ध्यान देना है। और एक कंडीशन है, अगर हमने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किया है, जल्दबाजी में डाल दी थोड़ी सी, फूलेंगी लेकिन कम फूलेंगी, ज़्यादा पफ नहीं हो पाएंगी वो, तो सही टेम्परेचर क्या है फिर ये देखते हैं। तो ये जानने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक एक पूरी डाल रही हूँ, हर पूरी फूलते जा रही है। मैंने क्या किया, पहले तेल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया, ठीक है, मीडियम गर्म था, एक मैंने डाल के देखी, मुझे लगा ओके अच्छे से फूल रही है। फिर आपको क्या करना है, फ्लेम को मीडियम पर सेट करके रखना है। ये देखिए, ये हो गई हाई फ्लेम, ये एकदम से लो, आपको मीडियम रखनी है, जिससे पानी पूरी अच्छे से फूलेंगी भी, पफ भी होगी, और जिसके ऊपर कहीं बबल नहीं आएंगे, वो एकदम सुंदर सुंदर बनेगी। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एक लेयर बहुत मोटी है और एक लेयर एकदम पतली है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है तेल के तापमान पर। मैं आपको ये इतना क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसको खुद कई बार कर चुकी हूँ, ट्रायल एंड एरर लेते लेते ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में आई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और रही बात हलवाई लोगों की, उनको तो सारी चीज़ों की एकदम से आदत पड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं जो पानी पूरी बनी है कहीं भी बबल नहीं है, न कोई पतली लेयर है, कितनी खूबसूरत बनी है ये पानी पूरियाँ। फटाफट से तीखा पानी बनाना बता देती हूँ। एक मिक्सी जार लेना है जिसमें आपको धनिया लेना है, अगर आप एक कप जितना धनिया ले रहे हैं तो उसका आधा आपको पुदीना लेना है। इसके बाद हम कुछ हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, एक इंच जितना अदरक, और इन सभी को हम थोड़ा सा पानी डालकर साथ में पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे छान कर ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही लेती हूँ। और इसके अंदर हमें कुछ थोड़े से मसाले मिलाने, जिससे पानी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। पानी जितना पतला जितना गाढ़ा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी मिला दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चम्मच जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच जितना चाट मसाला, दो चुटकी जितना काला नमक, और एक चम्मच जितना लेमन जूस डालना है, और सभी चीज़ों को बस एक बार मिला लेना है। बहुत सिंपल तरीका है पानी बनाने का, लेकिन बहुत ही चटकारे वाला तीखा चटपटा पानी बनकर तैयार है। मसाला आलू बनाने के लिए दो उबले हुए आलू मैंने लिए हैं, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर, और अभी अभी जो हमने तीखा पानी बनाया ना उसमें से दो से तीन चम्मच पानी यहाँ मिला देना है, और बस मसाला आलू भी बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाएंगे। इसके साथ हम बना लेते हैं मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास ये गुड़ और इमली का पल्प तैयार था, वही मैंने लिया है। इसे कैसे बनाना है ये जिसको जानना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ बता दूंगी। इस पेस्ट के अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी है, और अभी इसमें भी हमें थोड़े से कुछ स्पाइसेस मिलाने हैं। इसमें आपको डालना है दो चुटकी जितना काला नमक, एक चुटकी नॉर्मल नमक, फिर आधा चम्मच जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और लास्ट में एक दो चुटकी जितना रेड चिली पाउडर, और बस इसको अच्छे से मिला लेना है। और ये जो मीठा पानी है ना इतना ज़्यादा अच्छा बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पानी, आलू मसाला, तीखा पानी, सब कुछ सेट है। पानी पूरी बस सर्व करनी है और एंजॉय करना है। घर बैठे बहुत आसानी से और वन टाइम परफेक्ट रिजल्ट के साथ आप पानी पूरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बन गई हमारी सूजी की पानी पूरी एकदम परफेक्ट तरीके से। छोटी छोटी सी टिप्स थी, लेकिन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वन टाइम में अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोगों को अगर हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।